छोटे होते बच्चे अक्सर कागज पर गोल सी लकीर खींच के उसमें आंख नाक और कान बनाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही कोई चेहरा दिखने लग जाता है खुश हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। पर मैं ऐसा कोई चेहरा बनाकर पेंसिल हाथ से छोड़ता नहीं था, बस इसी ख्याल में उलझ जाता कि ये मैं नहीं हूं। और फिर सबसे नजरें बचाकर बनाए हुए चेहरे के माथे पर लकीर खींच के सर पे गोला बनाकर धीमी आवाज में खुद से कहता था कि ये मैं हूं। और फिर ये उलझन के मेरे सर पे ऐसे लहलाते बाल क्यों नहीं या उनके सर पे बालों का जूड़ा क्यों नहीं, बड़ा बहादुरी का काम लगता था ऐसा कुछ चेहरा बनाकर दिखा पाना उन सबको जो ब्रेक के वक्त मेरे सर की ओर इशारा करके पूछते थे आज इसके अंदर क्या लाए हो। एक कहता था सेब, दूसरा संतरा, तीसरा प्याज, चौथा आलू, बड़ा बहादुरी का काम लगता था। कभी कभी आपको चाकू पिस्तौल से डर नहीं लगता है, शब्द काफी होते हैं छीलने के लिए, शब्द जिनका रूप नहीं होता, आकार नहीं होता, बस नोक होती है जो चुभती है और कुरेदती है। मुझे याद है आज भी मेरे स्कूल में, कॉलेज में मेरे साथ वालों का मुझे मेरे नाम से न बुलाकर पाजी, पापे, ज्ञानी बुलाना, उनके मुंह पे मुस्कुराकर अंदर क्या महसूस करता था मैं ही जानता था। कभी कभी इतनी शर्मिंदगी होती थी कि लगता था उसकी तपिश से रूह पिघल जाएगी। कई साल तक और शायद आज भी इसी ख्याल से सर पटक पटक कर थक गया हूं कि मेरा अलग दिखना लोगों के लिए इतने मायने क्यों रखता है, इतना कि मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाना चाहते। मैंने भी कोशिश की लोगों को उनके नाम से न बुलाकर ओ पंडित, ओ खान साहब करके बुलाने की, फिर बहुत खराब लगा। फिर सोचा जब मुझे खराब लगता है तो मेरी बारी आने पर मुझे मेरे नाम से न बुलाकर पाजी, पापे, ज्ञानी बुलाने वाले को खराब क्यों नहीं लगता है। मेरे बाबा को, मेरे दादा को शायद अच्छा लगता होगा, मुझे नहीं लगता है। बाबा कहते हैं सरदार का मतलब होता है सरपरस्त, कबीले का लीडर, पर मैंने लोगों के चेहरे पे भाव देखे हैं, उनकी आंखों में मखौल देखा है, मुझे यकीन हो गया कि सरदार जी वाले सरदार और कबीले वाले सरदार में फर्क होता है। कभी लगता है कि पाकिस्तान तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला, दुश्मनों की लिस्ट में सारे अपनी ही क्लास के बच्चे थे, या वो कंडक्टर जो पाजी कहाँ जाओगे बोलकर सबसे अलग कर देता था। और मुझे गिराने की इतनी जोरदार कोशिश की, जितनी मरतबा खड़े होने की कोशिश करता था औंधे मुंह गिरता था, हड्डियां बच जाती थी पर हौसला टूट जाता था। और साहब तमाशा तब तक चलता है जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि मैं उनमें से एक नहीं हूं, रोहित रोहित रहता है, आदिल आदिल रहता है और मैं पाजी हो जाता हूं। और 12 बजे वाली झुकते इतनी कि मैं भी हंस पड़ता था, और कभी कभी घड़ी के सामने बैठ के इंतजार करता था कि देखो 12 बजे आखिर होता क्या है, शायद मुझे कुछ हो जाए। पर नहीं हुआ, लोग अपना रंग नहीं चुनते, अपनी जात नहीं चुनते, अंधे वो होते हैं जिन्हें लगता है उन्हें सब दिखता है। आज मुझे लगता है मैं इन सबसे ऊपर उठ चुका हूं, पर फिर भी कोफ्त होती है, घुटन होती है जब कोई आपको आपके नाम से नहीं बुलाता, लगता है आपके हिस्से की हवा को रोका जा रहा है। गलती बहुत लोगों की, पर पहले शायद मेरी, मुझे वो चेहरा बनाने के बाद, वो लकीर खींचने के बाद छुपने की बजाय, दुबकने की बजाय चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहिए था कि ये मैं हूं, हंसते हुए भागते हुए ये मैं हूं, उड़ते हुए मुस्कुराते हुए ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। अपनी शर्म से लड़ना सबसे बड़ी लड़ाई होती है और उस पर फतेह पा लेना सबसे बड़ी फतेह।